सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 61 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आईएस कोड 456 2000 के अनुसार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंतर्गत लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम ये बताएंगे कंडीशन फॉर विच क्रैक विड्थ नॉट नीड टू चेक और कैलकुलेट। ऐसी कंडीशन जिसमें आपको क्रैक विड्थ को कैलकुलेट करने और चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो कंडीशंस ये हैं। फर्स्ट कंडीशन है ए डिजाइन एक्सेल लोड इज ग्रेटर देन 0.2 एफ सी के इंटू ए सी, वेयर एफ सी के इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड ए सी द एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। और ये जो है डिजाइन एक्सियल लोड जो है ड्यू टू बेंडिंग इन कंप्रेशन मेंबर। तो अगर ये इस प्रकार से एक्सियल लोड डिजाइन एक्सियल लोड ग्रेटर देन 0.2 एफ सी के ए सी है, तो आपको किसी तरह की चेक क्रैक को क्रैक विड्थ को चेक करने की या कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड कंडीशन में डिजाइन एक्सियल लोड इज लेस देन 0.2 एफ सी के ए सी है, तब हमें ये देन स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट शुड बी अडॉप्टेड एज शोन बिलो। तो उस केस में अगर डिजाइन एक्सियल लोड इज लेस देन 0.2 एफ सी के इंटू ए सी है, तो उसको हम जो है स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट को स्पेसिंग को मैनेज करके हम अगर कर सकते हैं, तो हम उस कंडीशन में भी हमको क्रैक विड्थ को चेक करने या कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो इस प्रकार से जो हमारा स्पेसिंग अगर बार को हम देंगे, तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग S1, ये S1 हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, बिटवीन मेन बार शुड बी ग्रेटर ऑफ, इनमें से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग S1 शुड बी ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ मेन बार, जबकि स्पेसिंग ऑफ ऑल बार्स आर डायमीटर ऑफ ऑल बार आर इक्वल, और S1 इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ ग्रेटर बार, ग्रेटर लार्जर साइज ऑफ बार के लिए। तो अगर या तो डायमीटर ऑफ बार जब सेम हो, तो दोनों डायमीटर बार के से ज्यादा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग S1, और अगर डायमीटर ऑफ बार अनइक्वल हैं, कोई छोटे बड़े साइज के हैं, तो जो सबसे बड़ा साइज का बार होगा उसके बड़ा उससे ज्यादा स्पेसिंग देना चाहिए। थर्ड जो है S1, तो S1 का नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोस एग्रीगेट और उसमें प्लस 5 mm ज्यादा स्पेसिंग देना चाहिए। जो नॉमिनल साइज ऑफ कोस एग्रीगेट है उससे 5 mm ज्यादा स्पेसिंग वार के बीच में होना चाहिए हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। इस केस में आईएस कोड ने ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो बार्स के आसपास का जो नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज ऑफ कोस एग्रीगेट, उस साइज को हम थोड़ा रिड्यूस भी करके मैनेज कर सकते हैं। बी कंडीशन जो है वेयर नीडल वाइब्रेटर इज यूज, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग S1 शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 2/3 ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोस एग्रीगेट। तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 2/3 होना चाहिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोस एग्रीगेट का होना चाहिए। इसमें नोट ये लगा है कि इसमें एनेबल टू नीडल और वाइब्रेटर टू बी इमर्स, यानी नीडल को आराम से जो है वार की स्पेसिंग के बीच में नीडल को इमर्स होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो सी कंडीशन है फॉर टू और मोर रो ऑफ बार्स, यानी वर्टिकल स्पेसिंग, यानी दो रो है, ये फर्स्ट रो है सेकंड रो है, तो ये वर्टिकल स्पेसिंग S2 उसके लिए बताया। अगर दो या दो से ज्यादा रो वार्स हैं, तो वर्टिकल स्पेसिंग S2 जो है इन तीन में से जो ज्यादा वो प्रोवाइड करेंगे, यानी S2 ग्रेटर मिनिमम 15 mm लेना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, या मिनिमम 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोस एग्रीगेट, और थर्ड जो है वर्टिकल स्पेस जो है S2 मैक्सिमम साइज ऑफ द वार, जो बार की साइज है ज्यादा से ज्यादा अनइक्वल साइज है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ बार के बराबर या उससे ज्यादा रखी जाना चाहिए, विच एवर ग्रेटर
इन अबव। अब इसमें एक बात और है कि हम इस प्रकार से मैनेज अगर हम वार कर सकते हैं स्पेसिंग को मेन वार की, तो हमको फिर क्रैक विड्थ को चेक करने की या कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, साइज बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, और तो उस केस में अगर हम ये स्पेसिंग बार प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर जो है क्रैक विड्थ को कैलकुलेट करना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। और ये हम आईएस कोड के एनेक्सर एफ में ये प्रोसेस दिया है किस प्रकार से हम क्रैक विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।